दोस्तों गांव में वाईफाई या ब्रॉडबैंड कैसे लगवाएं, ये आपके मन में सवाल जरूर होगा। बहुत से लोग हैं, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको आसानी से ये गीगा फाइबर जैसे जियो का हो चाहे BSNL हो या एयरटेल अवेलेबल है, शहर में वाईफाई ब्रॉडबैंड भी अवेलेबल है, लेकिन गांव में ये प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं। ना तो वहाँ पर केबल अवेलेबल्स हैं, या जैसे वाईफाई की बात करें ब्रॉडबैंड की बात करें तो वहाँ पर गाँव में ब्रॉडबैंड कैसे लगवाएं। अभी अगर आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन काम करते हैं, सपोज दैट आप IT सेक्टर में जॉब करते हैं और आपको वर्क फ्रॉम होम आपका चल रहा है, तो वहाँ पर आपको इंटरनेट सुविधा मिलनी आवश्यक है, अच्छा खासा स्पीड होना जरूरी है। तो उसके लिए आप गांव में अपना वाईफाई लगवा सकते हैं, क्योंकि अभी गांव में अगर हम बात करें जियो फाइबर ऑप्टिकल की या BSNL की केबल की या एयरटेल की, तो ये अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को गांव में इंटरनेट से रिलेटेड। जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैंने भी ब्रॉडबैंड लगवाया, तो उसमें क्या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो वही पूरा आज हम डिस्कस करेंगे, गांव में अपना वाईफाई ब्रॉडबैंड एंटीना वाला जो होता है ना वो कैसे लगवा सकता है, जिसमें राउटर लगता है एंटीना लगता है, तो उसका पूरा प्रोसीजर बताएंगे, कुल खर्च कितना आने वाला है, स्पीड क्या है, कितनी मिलती है गाँव क्षेत्र में, और प्लान से क्या है, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। तो बने स्टूडियो में लगातार मैं पवन झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। दोस्तों हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें, पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा। तो देखिए गांव की अगर बात क्षेत्र गांव क्षेत्र की बात करें तो अगर आप जियो गीगा फाइबर की बात करें या किसी और की बात करें तो ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं है गाँव में, ना तो अभी केबल्स पूरी तरीके से पहुँच पाए हैं ना कुछ। आप ऑनलाइन जाके यहाँ पर इनका फॉर्म भी भर देंगे, चाहे एयरटेल की बात करें चाहे जियो की बात करें, आप यहाँ पर डाल देंगे, लेकिन सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं आपको। फाइनली अगर आपको इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए तो आपको ब्रॉडबैंड ही लगवाना पड़ेगा, वो भी किसी लोकल कंपनी का, ना तो जियो का अवेलेबल हो सकता है, ना अगर हम बात करें एयरटेल का, ना BSNL का, किसी न किसी लोकल कंपनी का ही ब्रॉडबैंड या वाईफाई लगवाना होगा। और जैसे अगर जियो या एयरटेल की बात करें तो आप फॉर्म भर देंगे, बस ग्रामीण क्षेत्र में अभी अवेलेबल नहीं है, तो कैसे लगवाएंगे पूरा प्रोसीजर बताएंगे। तो देखिए मैंने जो लगवाया वो एक लोकल कंपनी का है, और उन्होंने जो प्लान लगाया है क्या होता है, एक उनके पास एंटीना होता है और इसके बाद एक ब्रॉडबैंड या जिसे बोलते हैं आपको जो एक बॉक्स सा होता है वो लगाते हैं, तो एंटीना से ही सिग्नल कैच करके और एंटीना से केबल कनेक्ट कर दिया जाता है आपका, इसके बाद आप उससे एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट। तो इसके अलग अलग प्लान हैं, लोकल कंपनी पर डिपेंड करता है आप कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले जो आपके नज़दीक में एयरटेल या जियो के स्टोर होंगे वहाँ कॉन्टेक्ट करिएगा, उनके पास लोकल कंपनी के नंबर रहते हैं, या किसी ने आपके घर पे आसपास लगवा रखा था उससे कॉन्टेक्ट करके आप नंबर ले लीजिएगा और उनसे बात करिएगा, तो वो आपके यहाँ लगा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको खर्च कितना आता है, ये डिपेंड करता है किस कंपनी के, अलग अलग प्लान होते हैं लोकल कंपनी के। तो लगभग अगर बात करें आपका 6,000 से 7,000 रुपये फर्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट आता है, पहला जब लगाएगा उसमें आपको एंटीना देता है, केबल देता है और आपका जो बॉक्स होता है ना वो देता है, ये तीन जन लगभग 6,000 से 7,000 रुपये इसका देता है। फिर उसके मंथली प्लान होते हैं, और मंथली प्लान अलग अलग होते हैं, स्पीड पे डिपेंड करता है, मंथली प्लान 500 रुपये का पर मंथ और 600 1000 1200 ऐसे आते हैं, स्पीड पे डिपेंड करता है। जो मैंने लगवा रखा है वो 10 Mbps स्पीड देता है, 10 MB/s की स्पीड, जो कि 550 रुपये का प्लान पर मंथ मुझे पड़ता है। तो इसके बाद उसमें आप 8 से 10 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं, या कोई भी उपकरण वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसमें कॉस्टिंग पड़ती है, पहले मंथ की बात करें तो पहली बार सेटअप आपको पूरा लगाना पड़ता है, तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का उसमें खर्च आता है। फिर पर मंथ आपका जो मंथली प्लान होता है वो जैसे भी आप सिलेक्ट करते हैं, 500 वाला करते हैं तो 500 रुपये पर मंथ पड़ता है। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है कभी कभी, कोई मेंटेनेंस का, जैसे एंटीना ख़राब हो गया या आपका जो ब्रॉडबैंड लगा होता है वो जो बॉक्स लगा होता है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ गई तो मेंटेनेंस आता है। और स्पीड हालांकि 10 Mbps का अगर आप प्लान लेते हैं तो 10 मैक्सिमम कभी कभी देता है, नहीं तो आपको 8 और 7 के बीच में देता रहेगा, मतलब ठीक ठाक स्पीड गाँव के हिसाब से मिलती रहेगी, आपका काम चलता रहेगा। वहीं अगर आप जियो
अगर आपके यहाँ जियो या एयरटेल का केबल उपलब्ध है तो आप केबल सजेस्ट मैं करूँगा, आप उसे लगाइए, उसमें आपको बेहतरीन स्पीड मिलेगी, लेकिन गांव में वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आप कांटेक्ट करिएगा लोकल वेंडर से, जो भी आपके यहाँ हो उसका कांटेक्ट नंबर कहीं से भी निकालिएगा, उन्हें कॉल करिएगा, वो आएंगे और आपका दूरी वगैरह देखते हैं, पूरा सेटअप देखते हैं, इसके बाद लगाने के बाद आपको बेहतरीन स्पीड देते रहते हैं। अब बात करते हैं इसमें स्पीड, मैंने बता दी अलग अलग प्लान के हिसाब से स्पीड मिलती है। अगर आप 1000 रुपये वाला प्लान लेते हो तो उसमें हो सकता है आपको 25 Mbps तक की स्पीड मिल जाए, या वो अलग अलग प्लान डिपेंड करता है। स्पीड की बात होगी, खर्ची की बात करें तो पहले महीने जो इंस्टॉलेशन होता है उसका खर्च प्लस मंथली चार्ज लगता रहता है, तो पहले मंथ में ज़्यादा खर्च आता है। वहीं बात करें जो मैंने थंबनेल पे और लगा रखा था कि आप स्पीड और प्लान कुल खर्च मैंने बता ही दिया और प्लान अलग अलग होते हैं, तो ये पूरा डिटेल होता है, इसके लिए आपको लोकल वेंडर से कॉन्टेक्ट करके लगवाना होता है और बेहतरीन सा आपका स्पीड देता रहेगा। अगर आप जियो एयरटेल लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, अगर आपके गांव में उपलब्ध है तो आप लगवाइएगा। ये कैसे पता चलेगा कि आपके यहाँ जियो या एयरटेल उपलब्ध है या नहीं, तो आप अपने कस्टमर केयर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या नज़दीकी इनके स्टोर पर जाकर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने लगवाया है, इसका मैंने वीडियो क्लिप डाला है, आप देख सकते हैं ऐसे लगता है। वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, किसी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।